नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरी पर अपना दूध क्या भाव जाता, उसका कैलकुलेशन कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों हमको जाना है कैलकुलेटर में। ठीक है दोस्तों, मैं अभी कैलकुलेटर में जाता हूँ। चलिए, कैलकुलेटर में आ गया। समझो दोस्तों, हमको डेयरी वाला भाव 6.50 मतलब 6.5 रुपये पर फैट दे रहा। तो हमको दोस्तों उसको गुनेला करना है, 6.5 गुनेला मतलब हमारी फैट लगी दोस्तों जैसे 7-8 की। ठीक है, 7-8 की, तो 7.8 करके हमारा दूध 50.7 लीटर हो गया, मतलब 50 रुपये। ठीक है, उसको जैसे हमने 10 लीटर दूध दिया, 10 या 12, तो मैं 12 ले लेता, तो यहाँ 12 से गुना का कर देता इसको। हमारा दूध 608 रुपये का हो गया 12 लीटर दूध। दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, और बार एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमारा दूध एग्जांपल के तौर पर डेयरी वाला हमको सेफ 6.5 मतलब 6.5 रुपये पर फैट देता। ठीक है, और उसको हमको गुनेला करना है, और हमारी जो फैट लगी, हमारी पर फैट कितनी है 6.5, और हमारी जो फैट लगी मतलब हमारी फैट जैसे 9 लगी, 9.5, तो हमारा दूध 61.75 रुपीस पर लीटर गिरा। उसके बाद हमको हमारा दूध कितना है वो उसको गुनेला करना है। तो जैसे हमने दूध उसको 25 लीटर दे दिया, तो हमारा दूध हो गया 1543.75 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।